ओम शांति। ओम शांति। सर्वप्रथम आज की संगोष्ठी में सभी उपस्थित हमारे मूर्धन्य कवि और मंच संचालन करने वाली हमारी रुचि बहन मीनेश भाई और पूरे कार्यक्रम पर अपने वरद हस्त रखने वाले हमारे डॉक्टर साहब जयंत भाई जी, हमारी बहन चंपा बहन और इस कार्यक्रम में मुख्य अध्यक्ष के रूप में विशेष ईश्वरीय संदेश देने वाले आदरणीय दयाल भाई जी, मैं सभी की ओर से, मधुबन की ओर से, बाप दादा की ओर से, दादियों की ओर से आज के कार्यक्रम के सभी प्रस्तोताओं को, सभी भाई बहनों का मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत आभार भी करता हूँ। आर्ट एंड कल्चर विंग की ओर से जो आज का ये प्रोग्राम बना है, ऐसे ही इस वर्ष में आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर इस तरफ जाने के लिए बहुत ढेर सारे कार्यक्रम साल भर में बनाए जा रहे हैं। जस्ट यहाँ पर आने से पहले कार्यक्रम में अभी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर जो बड़ी मीटिंग होती है वो मीटिंग अटेंड करके आए, जिसमें इतने वैरायटी, इतने प्रोग्राम बन रहे हैं, कितने हजारों गीत लिख रहे हैं लोग, रंगोली कर रहे हैं, बाइक रैली चल रही है, कार रैली होने वाली है, कितने फेस्टिवल होने वाले हैं, कितने कार्यक्रम बन रहे हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से। उसी के अंतर्गत आज हम सब इस कार्यक्रम के लिए भी आए हैं और सभी ने बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां दी। मैं तो ये कहूंगा कि स्वर्णिम भारत की ओर अब हम आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर बढ़ तो रहे हैं, लेकिन स्वर्णिम भारत की ओर बढ़ने के लिए हमें स्वर्णिम विचार, स्वर्णिम आचार, स्वर्णिम व्यवहार, स्वर्णिम धारणाएं, इनको बनाना होगा, क्योंकि ऐसे स्वर्णिम भारत तो नहीं आएगा। स्वर्णिम भारत वो है जहां पर परस्पर हम सब ऐसे रहेंगे जैसे दैवी गुणों से संपन्न रहेंगे, और उन दैवी गुणों से संपन्न होने के लिए अभी से हम अपनी निश्चित कार्य योजना बना लें और ये संकल्प करें। आज संकल्प दिवस है, कवि सम्मेलन तो होता है, जैसे दयाल भाई ने प्रारंभ में कहा कि कवि सम्मेलन तो होते रहते हैं, लेकिन ये कवि सम्मेलन ही नहीं है, ये संकल्प दिवस है। जैसे किसी कवि ने कहा कि आज की रात कवि सम्मेलन का फलसफा तय हो, आज की रात कवि सम्मेलन का फलसफा तय हो, हंसी की कविता तो हो पर कविता की हंसी ना हो, पर कविता की हंसी ना हो। तो आज हम मिल करके संकल्प करें कि जहां पर एक ओर हम गीतों और कविताओं से ऐसे ऐसे गीत लिखें, ऐसी कविताएं लिखें जो लोगों में अच्छे संकल्प का बीज डाले, जो लोगों के जीवन को अच्छा बनाए, हम एक बने और श्रेष्ठ बने, नेक बने, और उस दिशा में बढ़ने के लिए आज हम संकल्प करें कि स्वर्णिम भारत के निर्माण में हमारा योगदान क्या होगा। हम आज एक तीन संकल्प लेना चाहते हैं। एक तो एक संकल्प लेना चाहते हैं कि आज से हम सब जो व्यवहार में आपस में क्रोध हो जाता है, हम गुस्से से एक दूसरे से पेश आते हैं, हमारे संबंध बिगड़ते हैं, हमारी सुख शांति नष्ट होती है, परिवार की भी सुख शांति नष्ट होती है, और यही नहीं हमारे स्वास्थ्य पर भी और सामाजिक स्वास्थ्य पर भी जिसका विपरीत असर पड़ता है। इसलिए हम सब संकल्प करें कि हम सब क्रोध न करें। आप सोचेंगे कि भाई क्रोध करना ना करना अपने हाथ में नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारा ही उत्तेजित रूप है और ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाओं से हम सब अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करेंगे। तो आइए मैं आपको एक कविता सुनाता हूं जिसमें गुस्सा न करने की जो है वो अपील की गई है कि हम सब आए और स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम संकल्प लें, और स्वर्णिम भारत के लिए यही स्वर्णिम संकल्प होगा कि आज से हम
कभी विचारों में अपने बात वाणी में उत्तेजना नहीं लाएंगे, हम जोर से गुस्सा न करेंगे, किसी से संबंध बिगाड़ेंगे नहीं। तो गुस्सा न करो भाई, गुस्सा न करो, गुस्सा न करो रे भाई, गुस्सा न करो, गुस्सा करने वालों पर भी गुस्सा न करो, गुस्सा न करो रे भाई, गुस्सा न करो, गुस्सा करने वालों पर भी गुस्सा न करो, किसी की ना गलती ना किसी का कसूर है, किसी की ना गलती ना किसी का कसूर है, जैसा जो करेगा फल पाना भी जरूर है, जैसा जो करेगा वैसा फल पाना भी जरूर है, पूछे बिना घर में किसके गुस्सा न करो, गुस्सा न करो रे भाई, गुस्सा न करो, गुस्सा करने वाले पर भी गुस्सा न करो, गुस्सा न करो रे भाई, गुस्सा न करो, कर्मों का खेल कभी करता ना आवाज है, कर्मों का खेल कभी करता ना आवाज है, राज को जो जाने नहीं होता वो नाराज है, राज को जो जाने नहीं होता वो नाराज है, स्वयं से सभी से कभी रूसा न करो, गुस्सा न करो रे भाई, गुस्सा न करो, गुस्सा करने वाले पर भी गुस्सा न करो, गुस्सा न करो रे भाई, गुस्सा न करो, गुस्से से ना काम बने और ही बिगड़ता है, गुस्से से ना काम बने और ही बिगड़ता है, रिश्ता भी खराब होता घर भी बिखरता है, चूसे गन्ने को और भी, चूसे गन्ने को और भी ना चूसा न करो, गुस्सा न करो रे भाई, गुस्सा न करो, गुस्सा करने वाले पर भी गुस्सा न करो, गुस्सा न करो रे भाई, गुस्सा न करो, प्यार का जग भूखा है, प्यार का ही प्यासा है, प्यार का जग भूखा है, प्यार का जग प्यासा है, प्यार देते प्यारे बनो प्रभु की ये आशा है, प्यार देते प्यारे बनो प्रभु की ये आशा है, किस्मत वाले हो किस्मत को कोसा न करो, गुस्सा न करो रे भाई, गुस्सा न करो, गुस्सा करने वाले पर भी गुस्सा न करो, गुस्सा न करो रे भाई, गुस्सा न करो, गुस्सा न करो रे भाई, गुस्सा न करो, गुस्सा न करो रे भाई, आगे गुस्सा न करो। और एक संकल्प आज लेते हैं कि हम आपस में क्रोध नहीं करेंगे, और ये बहुत नुकसानदेह है, स्वर्णिम भारत के निर्माण में अहम कड़ी होगी। अगर हम एक एक भी संकल्प कर लें कि हम आज से क्रोध न करेंगे, एक बहुत बड़ी बात होगी। और आपको आज के संकल्प लेने पर परमात्मा की भी मदद है, ईश्वर का साथ है, और हम सब राजयोगी और जो भी हमारे कविगण हैं वो कविता अच्छी लिखने के साथ साथ अपने स्वभाव को भी सरल बना लेंगे,
मीठा बना लेंगे, मधुर बना लेंगे, तो निश्चित ही भारत स्वर्ग बन जाएगा। दूसरा संकल्प है कि हम सब संकल्प लें कि स्वर्णिम भारत तब बनेगा जब हमारा खान पान उत्तम होगा, हम आपस में मिले लेकिन हिंसा का व्यवहार न करें। जितने हिंसा का व्यवहार होता है उतना ही हमारे चारों तरफ का वातावरण बड़ा क्रूर बन जाता है और बहुत नुकसानदेह हो जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप बहुत बड़ी क्षति होती है। व्यक्ति की हिंसा यहां से उत्पन्न होती है और ये विश्व युद्ध तक पहुंचती है। कहते हैं कि वार जो है, जो युद्ध छिड़ता है, उसका पहले प्रारंभ मस्तिष्क में होता है, तो यहां से शुरू होकर बढ़ता है। तो आज के दिन में हम सब जो है एक संकल्प करें कि अपना आहार व्यवहार विचार ये सब ठीक रखेंगे। तो आज के संदर्भ में, जैसा कि आज का विषय भी था, उस संदर्भ में सुनाना चाहता हूं एक कविता। आजादी का अमृत उत्सव स्वर्णिम युग का सूर्योदय, आजादी का अमृत उत्सव स्वर्णिम युग का सूर्योदय, धरती अंबर दसों दिशाएं गाएं सब होकर निर्भय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। विश्व गगन में चमक रहा, विश्व गगन में चमक रहा, नव भारत का दिन मान है, शांति सुरक्षा समृद्धि का रच रहा नया कीर्तिमान है, रच रहा नया कीर्तिमान है, विश्व गुरु भारत महान, उद्घोष यही सबका निश्चय, धरती अंबर दसों दिशाएं गाएं सब होकर निर्भय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नव युग का निर्माण है, नव युग का निर्माण है, नारी का सम्मान है, जन जन का उत्थान है, सबका ही कल्याण है, आशा और विश्वास का हो रहा फिर अभ्युदय, आशा और विश्वास का हो रहा फिर अभ्युदय, धरती अंबर दसों दिशाएं गाएं सब होकर निर्भय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माँ की सेवा में किया निछावर सारा है, भारत माँ की सेवा में किया निछावर सारा है, ऐसे वीर सपूतों को शत शत नमन हमारा है, ऐसे वीर सपूतों को शत शत नमन हमारा है, अमर रहे हैं अमर रहेंगे, अमर रहे हैं अमर रहेंगे, आनंद दिया हमको अक्षय, धरती अंबर दसों दिशाएं गाएं सब होकर निर्भय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक आजादी मिली हमें, एक आजादी मिली हमें, सच्ची आजादी बाकी है। एक आजादी मिली है, राजनैतिक रूप से आजादी मिली है, लेकिन अभी मानसिक रूप से हमको आजाद होना है, आध्यात्मिक रूप से हमको सशक्त होना है। एक आजादी मिली हमें, पूरी आजादी बाकी है, सारा अंबर अपना होगा, खुली अभी तो झांकी है, सच सपना बापू का होना, सच सपना बापू का होना, विश्व बापू से अब तय, धरती अंबर दसों दिशाएं गाएं सब होकर निर्भय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शुद्ध बना आहार विहार ले स्वर्णिम आचार विचार, शुद्ध बना आहार विहार स्वर्णिम ले आचार विचार, बना के हम स्वर्णिम भारत रच रहे हैं स्वर्णिम संसार, बना के हम स्वर्णिम भारत रच रहे हैं स्वर्णिम संसार, आत्म परिवर्तन से ही, आत्म परिवर्तन से ही, आत्म परिवर्तन से ही जग परिवर्तन है निश्चय, धरती अंबर दसों दिशाएं गाएं सब होकर निर्भय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रभु कलाकार की है पुकार, प्रभु कलाकार की है पुकार, पर सारा संसार है चल पड़ा, प्रभु कलाकार की पुकार पर
सारा संसार है चल पड़ा कल का आकार सुनहरा देने, कलाकार है चल पड़ा साथी सर्वशक्तिमान वो जन्म सिद्ध अधिकार विजय, साथी सर्वशक्तिमान तो जन्म सिद्ध अधिकार विजय, धरती अंबर दशो दिशाएं गाएं सब होकर निर्भय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, आजादी का अमृत उत्सव स्वर्णिम युग का सूर्योदय, धरती अंबर दशो दिशाएं गाएं सब होकर निर्भय। हमारे साथ बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, और भारत माता की जय, भारत माता की जय। और एक दूसरा संकल्प जो मैं कहना चाहता हूँ हमारे कविगण, और जिसका मैंने इशारा भी दिया कि हम आहार विहार को अपना सात्विक बनाएं, आज से हम संकल्प करें कि हिंसा का कोई काम नहीं करेंगे, ना तो हिंसक वृत्ति रखेंगे, ना तो किसी की हिंसा करेंगे, और जो हमारा मांसाहार है, जो हमारे खान पान की अशुद्धि है, इसको हम जरूर बदलेंगे। निस्संदेह हमारे कविगण, हमारा ये जो बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, अगर इस संबंध में आएंगे तो उनकी कला में तो बड़ी गजब की क्षमता है ही, लेकिन वो और अच्छा भी हो जाएगा कि वो बहुत अच्छी चीज करते हैं। और अंत में दो लाइन से मैं पूरा करूंगा, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, स्वर्णिम भारत की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, स्वर्णिम भारत की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं, भाग्य विधाता साथ है, हाथ में उसके हाथ है, संसार का सिरमौर भारत को बना रहे हैं, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, स्वर्णिम भारत की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं, ज्ञान और विज्ञान हो चाहे नारी का सम्मान हो, स्वच्छ स्वस्थ बने भारत गांवों का उत्थान हो, व्यसन मुक्त हो युवा हमारा बच्चों का कल्याण हो, सबका साथ सबका विकास ऐसा अब अभियान हो, सबका साथ सबका विकास ऐसा अब अभियान हो, बापू के सपनों का हम अब भारत सजा रहे हैं, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, स्वर्णिम भारत की ओर हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं, भारत माँ की सेवा में तन मन धन सब वारे, उन्नत विकसित भारत का हम मिलकर रूप निखारे, भारत माँ की सेवा में हम तन मन धन सब वारे, उन्नत विकसित भारत का मिलकर रूप निखारे, आजादी के नायकों ने दिया हमें उपहार, उसकी हिफाजत करने में हम हो जाए बलिहार, उसकी हिफाजत करने में अब हम हो बलिहार, राजयोग से उज्जवल भारत को बना रहे हैं, स्वर्णिम भारत की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, भाग्य विधाता साथ है, हाथ में उसके हाथ है, संसार का सिरमौर
भारत को बना रहे हैं हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। स्वर्णिम भारत की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं, हम कदम बढ़ा रहे हैं, हम कदम बढ़ा रहे हैं।